गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचो। तो कैसा लगा एनसीईआरटी वाला ट्रेलर, आप लोगों को कैसा लगा ये बताओ सबसे पहले तो, हाँ बताइए। आई वॉन्ट टू सी योर कमेंट्स। यस जल्दी जल्दी भाग के आओ, मतलब अच्छा खुशी हुई होगी, ठीक है। दैट एनसीईआरटी वाली कहानी हमारी चलने वाली है, शुरू होने वाली है, तो उसका जो मतलब एक तरीके का क्या कहते हैं उसे फिल्मों में क्या कहते हो ट्रेलर, ठीक है, मतलब ट्रेलर जो है वो कैसा लगा, ठीक है। नो डाउट थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, थोड़ी दिक्कतें आई थी, बट मैंने तुम लोग को हमेशा कहा था, ठीक है, कि यस इट हैज़ टू बिगिन एंड दैट इट हैज़ बिगिन। आज ही से है गाइस, ध्यान रखना एक बार, तो फटाफट पहले पहले आ जाओ जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग, सबका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम खा पी के टाइट होके आना, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से, मतलब तीन क्लासेस बैक टू बैक तुम्हारी हिस्ट्री के हैं, ठीक है। अभी 1:05 बजे मीडियबल जो हमें ख़त्म करना है गुरुकुल 2.0 के लिए, उसके बाद 7 बजे हमारी एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और 8 बजे फिर से ये मीडियबल का 6th लेक्चर है गुरुकुल 2.0 को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। सो एकदम खा पी के टाइट होके आ जाओ, फटाफट कॉपी लेके आओ। और इससे फिलहाल हम मीडियबल वाला लेक्चर नंबर फाइव जो है मीडियबल वाला, वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो एक बार जल्दी जल्दी आइए, सबका स्वागत है। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ एज एन एडुकेटर इंस्ट्रक्टर। जल्दी जल्दी आओ यार, शेयर करो इसे चारों तरफ, शेयर करो पहले। और प्लीज़ ये एनसीईआरटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम्हारे ऊपर है, मतलब इसको आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करो चारों तरफ, बताओ सबको, इंटीमेट करो। ब्लैक करंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसको, दीक्षा को। यस दीक्षा गॉट योर ब्लैक करंट, ऑलराइट। सो ट्रेलर कैसा लगा, एनसीईआरटी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा जरा बताना यार एक बार मेरे को, ठीक है, प्लीज़ बता दो लोग कैसा लगा, ठीक है। सो ये थोड़ा इंटीमेट कर देना आप लोग सबको कि भाई एनसीईआरटी की क्लासेज ऐसे शुरू हो चुकी हैं, और ये क्लास बेसिकली आपको फ्राइडे सैटरडे और संडे को होगा 7 PM से, और मंडे या ट्यूसडे से आपका प्रीफेक्टो भी शुरू हो जाएगा। सो जितना खाना पीना है सब खा पी के तैयार हो जाओ, ठीक है। और 5 बजे अल्फिजा, 5 बजे एनसीईआरटी की क्लास किस चैनल पर होगी अल्फिजा एनसीईआरटी की क्लास? क्या लड़की यार तुम लोगों, मैंने सिविल सर्विसेज वाले गुण नहीं दिखते, ठीक है। अभी एनसीईआरटी यूपीएससी 101 पे ही होगा, 5 बजे नहीं 7 बजे शुरू होगा हिस्ट्री वाली क्लास, ठीक है। और 5 बजे ये गुरुकुल 2 नहीं हो तो जाके गुरुकुल 2 को पढ़ो ठीक से, वो 5 बजे गुरुकुल 2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गुरुकुल 2 5 बजे से, और इसी का एक कंटिन्यूएशन लेक्चर लेक्चर नंबर 6 वो 8 बजे से होगा। 7 बजे बीच में बेसिकली एनसीईआरटी आज से हो रहा है, और यूपीएससी 101 पे ही होगा, प्लीज इस पर किसी तरीके का कोई डाउट मत रखो, ठीक है। और एक बार यस वैदेही संतोषी विवेक सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग, प्रियंका ब्रजेश आशीष सुजल संदीप आ जाइए जल्दी जल्दी आइए, ब्रजेश एकदम यार ये जल क्यों रहे, दहक क्यों रहे हो तुम लोग, मतलब दहक क्यों रहे हो, अच्छा म्यूजिक सुन के दहक रहे हो, मेरे को तो ब्लैक करंट देख के ही अच्छा लग रहा है। दिव्या शैलेंद्र संतोषी रागिनी वैदेही अच्छा अच्छा पूजा शैलेंद्र आओ जल्दी जल्दी यार, कहाँ हो तुम लोग, मतलब मेरे खून पसीने की यही कीमत अदा कर सकते हो तुम लोग। अनुष्का इज देयर, सिमरन अनामिका साक्षी प्रियांशी संतोषी ऑल राइट सुजल राधा। तो एक बात बताओ, मतलब एनसीईआरटी वाले ऐड में ना, ठीक है, मतलब एक चीज जो तो देखा प्रोमो जो देखा एनसीईआरटी वाले, उसमें जो 3 तस्वीरें थी शुरू में जो लोगो देख रहे हो ना, ठीक है, देखो पहले यूपीएससी 101 पे ही होगा आज से 7 बजे, कुछ दिनों बाद इसे एनसीईआरटी 101 पे हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ दिनों बाद एनसीईआरटी 101 पे फिक्स कर देंगे। तो उसमें जो 3 फोटोज दिख रही है ना मेरी, पंकज सर की और मतलब सुमित की, तो ये तीनों बिल्कुल मतलब सफेदी की चमकार टाइप नहीं दिख रहा, मतलब फेयर एंड लवली का ऐड जैसा, मतलब ये फिर मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा फेयर पंकज सर, और उसके बाद सफेदी की चमकार तो बेसिकली सुमित है, सुमित सर हैं, तो वो बेसिकली आपको तुम फेयर एंड लवली के ऐड जैसा वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। यस निधि गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू। निशा हेमंत आशीष निहालिका ऑल राइट अंजलि मेघना सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। सो खत्म हो गए तुम लोग, हो कहाँ भाई यार, गुस्सा आ रहा है मेरे को, जल्दी जल्दी पहुँचो। और एनसीईआरटी वाली इंटीमेशन चारों तरफ मतलब थोड़ा स्प्रेड कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड होगा, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, एकदम मेंस की प्रिपरेशन है तुम्हारी, बिकॉज 6 to 12 तक एनसीईआरटी तुम करते हो ना, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, और वर्ल्ड हिस्ट्री आती है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी से आपको बता दूं कि वो पेपर 1 मेंस का GS पेपर 1 है। तो जब तुम एनसीईआरटी कर रहे हो ना 6 to 12
ठीक है, तो अनडाउटेडली आप मेंस वाला एरिया जीएस का कवर करोगे. सो अच्छे से एक सबसे मोटी कॉपी एनसीईआरटी वाली ले लेना, एंड आई वांट टू सी एवरीवन देयर. उसके बाद जीवन भर के लिए ना बिना मतलब का एनसीईआरटी और में तबाह होके नहीं रहना है. वंस इट इज डन फॉर एवर. और डेफिनेटली एनसीईआरटी का जो ये मतलब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 6 to 12, मेरी जो हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी उसमें सारी पुरानी किताबें मैं हैंडल कर रहा हूँ. सो ये जीवन भर का जो दुख दर्द है ना सब खत्म होने वाला है. समझ में आ रही है बात? सो प्लीज एक कॉपी जिसके पास आज नहीं है ठीक है वो लेके तैयार हो जाए. ऑल राइट, निहालिका नीरज सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग. आगे चल के मैं बता दूँ स्पेशल क्लासेस के बारे में, तो इस पर डेफिनेटली मेरी स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन करो, क्योंकि मैं हर जगह अलग अलग चीज़ें कराता हूँ. स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है, दैट इज AR101. इसी कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें 10% ऑफ मिलता है. और सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम अगर मेरा कोड यूज करते हो तो मैं आपको पर्सनलाइज्ड मेंटर कर सकता हूँ. ये मुझे अनअकैडमी की तरफ से एक फैसिलिटी मिलती है. इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. बिकॉज आप कहते हो सर मेरे को पर्सनली मेंटर आप करो, तो मैं नहीं कर पाता हूँ अगर ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज माई हेल्पलेसनेस एंड दिस इज प्रोबेबली अ काइंड ऑफ द लॉलेसनेस. तो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये ध्यान रखना. और डेफिनेटली अनअकैडमी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे तो जुड़ना ही है. जितने लोग हैं नए प्लीज़ यहाँ तो ज़रूर ही जुड़िए, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन का हमारे बीच जो मीडियम है वो बेसिकली यही होता है. सारी चीज़ें आप पूछते हो, मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभार अगर थोड़ा लेट हो जाए तो प्लीज़ ना तो अपना दिल तोड़ना है ना मेरा दिल तोड़ना है. ठीक है, दिल को संभाल के रखना इज़ वेरी प्रेसियस थिंग. ठीक है, सो क्योंकि ये मत भूलना कि मैं इस तरफ अकेले होता हूँ. सो फॉर ऑल दोज नो न्यू स्टूडेंट्स, इट्स माई अर्जेंट, इट्स माई लाइक पलाइट रिक्वेस्ट कि बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल जो एक्सक्लूसिवली मेरा टेलीग्राम चैनल है. सारे वीडियोज की अपडेट्स मिलेगी आपको, बी इट यूट्यूब स्पेशल क्लासेस और यू हैव द प्लस कोर्सेज, सबकी अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी. प्लस आप कम्युनिकेट मेरे से कर सकते हो. एंड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग दिस एडुकेटर कोड, इसके नियम मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है, सो इसको यूज करने के लिए आप थोड़ा सा कॉशस जरूर रहिएगा. मूविंग अहेड, चलो कहानी शुरू करते हैं अपनी. ठीक है, सब आ गए? मोनिका, सुस्मिता, भावना, यस, बहुत बहुत गुड इवनिंग भावना तुम्हें, दिव्या, संतोषी, संध्या, श्री, चलो पहुंचिए, कृपया करके पहुंच जाइए आप लोग मेरे ऊपर, मतलब थोड़ी सी दया अगर हो तो पहुंचिए जल्दी. संध्या इज देर, पाटिल इज देर, भावना इज देर. ठीक है, अभी भी बहुत लोग मेरे को दिख नहीं रहे हो. अब्दुल, एकता, अनुष्का, मोनिका, देन यू हैव दिस सौम्या, संध्या. थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, आई एम ऑन द हंट. मैं देख रहा हूँ कि नई नई चीज़ें जिसके लिए बहुत तुम लोग चीखे चिल्ला रहे थे ना, सर ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं. ठीक है, ये सब देख रहा हूँ कि मैं कितना इस पर सीरियसली, तुम लोग कितनी इन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो, मेरे को यही देखना है. इसलिए आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस नेम्स, कि हाँ थोड़ा सा मेरे को धीरे धीरे बहुत कुछ तो याद हो ही रहा है. ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी न्यू ओल्ड टू दिस अनअकैडमी. ठीक है, तो बहुत कुछ तो मुझे याद हो रहा है, लेकिन खबरदार, मैंने समझ रहे हो, मतलब जब जैसे याद होने लगा मुझे और उसके बाद वैसा कोई चेहरा मेरे को दिख गया ना कि सर एनसीईआरटी कैसे होगा, सर न्यूज़पेपर कैसे होगा, सर मैगजीन कैसे होगा, मतलब खून कर दूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि माधव हूँ मैं. ठीक है, सारथी भी हूँ मैं. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम समझ रहे हो ना, और क्या हूँ मैं, सबसे पहला नाम मेरा गब्बर ही रखा गया था. ठीक है, अखंडा भी रखा गया था, कालीन भी रखा गया था. तो ध्यान रखना और जल्दी जल्दी थोड़ा सा ठीक है पहुँचिए. आंसू, शिवलीला, कुसुम, ब्रजेश, श्री, चलिए. तो गाइस कहानी आज की हम शुरू करते हैं. ठीक है, ऑल राइट, अनिकेत, यस, सुलेमान साहब, वालेकुम सलाम, नेहा, गुड इवनिंग, यस, संध्या, आशु, आशीष, आइए फटाफट. सो देखिए, बेसिकली मैंने तुम्हें जो मेडिवल इंडिया में अब कॉपी किताब निकाल के पढ़ाई शुरू हो चुका है. ठीक है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जल्दी जल्दी आइए, अभी भी आ ही रहे हो सब, पता नहीं मेरे को 6 बजे तक आते ही रहोगे क्या. ठीक है, यस, नेहा गुड इवनिंग, गायत्री गुड इवनिंग, कृपया करके देवियों कन्याओं समय पर आ जाया करो. ठीक है, मेरी इस इंतजार को, ठीक है, या मेरी इस रिक्वेस्ट को, ठीक है, थोड़ा सा अपनी नज़ाकत से, ठीक है, अगर मान लेंगी आप तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है, यस निधि, मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें क्यों हो गई, किसने रखा था नाम सर. प्रियांशु, छोड़ो ना यार, नाम ने क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा है, उसकी बात मान लो, मेरी बात मत ही मानो. निशा इज देयर, वैदेही इज देयर, विद्यावती, रामांश, देखने दो, चेक करने दो मेरे को यार. ठीक है, रामांश साहब अभी आ रहे हो, मनु, खून इतनी दूर से, यस मनु, उसे कहते हैं वर्चुअल और डिजिटल खून. ठीक है, चलो वीडियोस में कह रहा हूँ ना, थोड़ा लाइक वाइक करते रहना, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पढ़ाई की परंपराएं, जो समाज में परंपराएं बदलती हैं, तो दोनों तरफ से बदलती हैं. अगर तुम अलग माहौल में बैठ के पढ़ रहे हो तो मुझे जो रिवार्ड तुम दे सकते हो उसका नियम कानून भी बदल रहा है.
सो दुनिया अगर देखती है मेरे एफर्ट्स को तो तुम्हारे लाइक्स और तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू। मैं कभी भी प्रेशराइज नहीं करता कि तुम लाइक ही करो, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करना, ठीक है, बुरा लगे कमेंट में कुछ लिखना, लेकिन करना जरूर, ठीक है, दैट व्हाट आई एम टेलिंग। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अभी तक जो मैंने तुम्हें मेडिएवल में चार पांच लेक्चर्स में बताया है वो ये है कि थोड़ा सा समराइज करने दो मेरे को, हर्षवर्धन के बाद की कहानी। हर्षवर्धन के बाद की कहानी को मध्यकालीन भारत करते हैं, लगभग 9th century AD से ये कहानी शुरू होती है, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें तुम्हें बताई, लाइक सबसे पहले तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ, उसके बाद साउथ इंडिया में अगर आओ तो चोलाज का उत्थान शुरू हुआ, चोल किंगडम, ठीक है, उसके बाद बेसिकली देखा जाए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बाद 800 से 1000 एडी के बीच में ये हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए तो कल वाली क्लास में हमने देखा था 1000 से 1200 एडी के बीच में बहुत सारे राजपूत वंशों का विकास हुआ, ठीक है, ये सारी कहानी हम मध्यकालीन भारत में देख चुके हैं। और मैंने बोला था तुम्हें कि पैरेलल में इस्लामिक मिडिल ईस्ट क्षेत्र से मुस्लिम या इस्लामिक आक्रमण भी पैरेलल में चल रहे हैं। सो ये जो आक्रमण वाला फेज था ना, ये हमने अभी तक शुरू नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि ये सारी घटनाएं जो तुम पिछले 3-4 क्लास से देख रहे हो ना, उस समय आक्रमण हो नहीं रहे, उस समय बस इस वाले एरिया को मैंने आइसोलेटेड रखा है। और यही तो मैं हिस्ट्री में हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि किसी भी एक घटना में इतना ना खो जाओ कि उसके अगल बगल में कुछ पता ही नहीं चले। आक्रमण जो है इस्लामिक क्षेत्र से, अरेबियन पर्शियन, ठीक है, वो मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र से लगातार इस पीरियड में हो रहे हैं। अब इस आक्रमण वाले फेज को हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है, दैट एडवेंचरस फेज वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट, ठीक है, ऑल राइट। सो चलिए, अनुज आपको भी देख लिया, मतलब मेरे को तुम लोग सीरियसली बहुत ज्यादा इनकरेजिंग तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ। विद्यावती, यस, नाम बड़ा है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत है, आप सब विद्या बोल सकते हैं, ठीक है, मैं भी विद्या ही बोलूंगा तुम्हें, डोंट वरी। शेलू, जल्दी जल्दी आओ, ठीक है। सो चलो आक्रमण वाला फेज हम शुरू करते हैं। अब देखिए आक्रमण वाले फेज में कुछ जगहों का नाम तुम्हें सबसे पहले याद रखना जरूरी है। हम यहाँ पे हैं, हम इंडिया यहाँ पे हैं, बगल में हमारा सबसे प्यारा परम मित्र है पाकिस्तान, देख लो, और ये उसके बगल में अभी जिसकी क्या कहते हैं हस्ती मटिया मेट हो रही है, जिसकी गर्दिश में जिसके तारे हैं बेसिकली, वो अफगानिस्तान है जहाँ तालिबान सिर उठा चुका है। सो इसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पे एक जगह है, दैट इज कॉल्ड गजनी। गजनी देख रहे हो तुम, ये जगह एक नाम याद रखना है, गजनी। अच्छा, उसके बाद तुम इस वाले मैप में आओ तो ये ट्रांस ऑक्सियाना वाला क्षेत्र याद रखना कहाँ पे है। ये हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन है तो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। सो ये उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये ट्रांस ऑक्सियाना। बगल में देखो फरगना दिख रहा है तुम्हें, फरगना एक याद रखना, ट्रांस ऑक्सियाना एक याद रखना, ये पर्शियन ईरान वाला क्षेत्र है। अफगानिस्तान के बगल में क्या होता है, ईरान होता है। सो ये ईरान वाला क्षेत्र है, खुरासन, खुरासन एक याद रखना है, खुरासन, खुरासन, ट्रांस ऑक्सियाना, फरगना। फरगना बेसिकली ये मुगलों के लिए जाना जाता है, समरकंद और फरगना, बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बस ये लोकेशंस थोड़े से याद रखना, ठीक है। और इसके भी थोड़ा सा और मतलब तुर्कमेनिस्तान पश्चिम की तरफ जाओगे ना, ख्वारिज्मी एक नाम याद रखना। पहले मैंने मैप पे सब लोकेट करके तुम्हें दिखा दिया, ये अगर हिंदू कुश है तो हम इधर की तरफ है। अब इसके बगल में आओगे तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र आ जाता है, उसके बगल में ईरान वाला क्षेत्र, तो ये खुरासन है, खुरासन जगह याद रखना है। उसके बाद ऊपर उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान वाले क्षेत्र में जाते हो, बगल में ये तुम्हारा फिर चाइना हो जाता है, बगल में ये तुम्हारा चाइना हो जाता है, ठीक है, मंगोल खान की दुनिया। सो ये ट्रांस ऑक्सियाना हो जाता है, उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान वाला क्षेत्र, फरगना यहाँ पे बगल में हो जाता है चाइना से काफी क्लोज, देन यू हैव दिस ख्वारिज्मी, और जरा वेस्ट में जाते हो तो ये ख्वारिज्मी, ट्रांस ऑक्सियाना, फरगना, खुरासन, एकदम एग्जैक्टली याद रखना कि कौन कौन से जगह ये हैं, कहाँ कहाँ पे बेसिकली ये हैं, ठीक है, कौन कौन से एरियाज, सब अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा हिंदू कुश है, मतलब फिर ये अफगानिस्तान हो जाएगा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पे यू हैव द गजनी, गजनी यहां पे है, वो ध्यान रख लेना। मूविंग अहेड, अरेबियन इन्वेजन से शुरुआत होती है हमारी कहानी। अरेबियन इन्वेजन आप जानते हो, अरब का आक्रमण 712 एडी भारत में होने वाला मध्य एशिया से पहला आक्रमण, ठीक है। एक नाम लिखा हुआ है अल हजज इब्न यूसुफ, अरब का गवर्नर, ठीक है। और ध्यान रहे, इसी समय अरब में बेसिकली खलीफाओं की दुनिया चल रही है, खलीफाओं की दुनिया चल रही है, खलीफेट एम्पायर, पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लामिक सत्ता को
साम्राज्य का रूप देने वाला का वंश, कैलिफेट, खलीफा वंश जिसे कहते हो, तो उसमें बेसिकली शुरू वाले जो आठवीं शताब्दी है ना, इसमें बेसिकली क्या कहते हैं आपके पहले शुरू के जो दो होते हैं, रसुद्दीन खलीफा, और दूसरा हो जाता है तुम्हारा उन्मैयद खलीफा। शुरू के ये दो खलीफाज हैं, ठीक है। तो इन्हीं का समय ये है बेसिकली जब अरब का इन्वेजन हो रहा है, और उन्मैयद खलीफा मतलब तकरीब 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक सबसे पॉपुलर खलीफा जो अरब की धरती पर इस्लामी सत्ता को संभालेगा, दैट विल बी दैट अबासीद लगभग 16वीं सेंचुरी तक, 16वीं शताब्दी तक। और चौथा जो तुर्की वाले क्षेत्र में इसके बाद विकसित होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोमन कैलिफेट। ये चार खलीफाओं का नाम याद रखना, शुरुआती बिल्कुल 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में रसुद्दीन और उन्मैयद खलीफा हैं, और ये उन्हीं का समय है जब बेसिकली 712 एडी में पहला इस्लामिक आक्रमण सिंध वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। सिंध वाले क्षेत्र में होता है, उस समय अरब के गवर्नर जो है अल हजज इब्न यूसुफ साहब हैं, दहर, सिंध जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, सिंध समझ रहे हो ना, वहां पे दहर, ठीक है, एक शासक है सिंध के, उसके खिलाफ अरेबियन गवर्नर भेजते हैं बेसिकली, ठीक है, 2 मिलिट्री एक्सपेडिशंस, ठीक है। इस प्रिटेक्स्ट में, किस संदर्भ में, कि मैं तुम्हें मतलब उस क्षेत्र में ना थोड़ा सा डकैती विकैती चोरी वगैरह अस्थिरता है तो उसको संभालने के लिए, ये झूठ बात है, बेसिकली इरादे हैं उनके भारत की तरफ आने के, इसलिए भेजा जाता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट द पायरेट्स। लेकिन ये दोनों एक्सपेडिशन बिल्कुल फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, साजिश होती है लेकिन दोनों एक्सपेडिशन फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हजज साहब हैं, ठीक है, मतलब अल हजज अरब के गवर्नर, ठीक है, एक फुल फ्लेज्ड आर्मी भेजते हैं अंडर द कमांड ऑफ मुहम्मद बिन कासिम, अपने सन इन लॉ, जो उनके सन इन लॉ दामाद हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में वहीं सिंध पर आक्रमण करता है, जो बेसिकली उस समय कोई पाकिस्तान भारत नहीं, उस समय तो भारत का ही क्षेत्र है, समझ रहे हो। अगर 8वीं शताब्दी का हम बात कर रहे हैं तो ये किसका समय है, लगभग हर्षवर्धन का टाइम चल रहा है, हर्षवर्धन के बाद की दुनिया, मतलब वही सब चीजें तुम्हें बैकग्राउंड में बता चुका हूं, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के शुरुआत का समय है, ठीक है। सो समझ रहे हो इनका सामना किससे होगा, सिंध वाले क्षेत्र में कौन है, गुर्जर प्रतिहार है, चीजों को इंटरकनेक्ट करना, ठीक है। इसलिए मैं उन चीजों को हमेशा एक कंटिन्यूटी में, हिस्ट्री को अगर सिक्वेंशियली नहीं समझे तो हिस्ट्री कुछ नहीं समझे। सो ये पहला आक्रमण माना जाता है सिंध वाले क्षेत्र में, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, मतलब ये बस एक आक्रमण है, इसमें शासन वासन करने की कोई मतलब ऐसी मनसा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, ठीक है। सो मोहम्मद बिन कासिम को एग्जैक्टली मतलब बहुत सफलता नहीं मिलती है, और इसलिए नए खलीफा जो है उनसे गुस्सा जाते हैं, ठीक है, गुस्सा जाते हैं, और नए खलीफा बेसिकली अब ऐसा कोई काम करने की फितरत रखते भी नहीं है, ठीक है। मतलब सिंध वाला क्षेत्र जो है, दहर जो वहां के शासक है ना, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है, उसमें बेसिकली मतलब अब कुछ करने में इंडिफरेंट हो जाते हैं, छोड़ो हटाओ, मतलब 3-3 एक्सपेडिशन फेल हो जाते हैं तो कुछ नहीं, ठीक है। और जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, जो अरबी अरब का अटेंशन है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब सिंध की तरफ या भारत की तरफ इसके बाद कभी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए अरेबियन इन्वेजन के बाद गजनी की दुनिया में। अब गजनी तुम्हें मैंने बताया ना तुमको कहां पे था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पर। ये तुम्हारा अगर अफगानिस्तान इधर की साइड, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री इधर की तरफ, कहीं गजनी दिखाया था मैंने पीछे वाले मैप में, फिर से देख लो, कहीं एक बार भूल के बैठ गए होगे, ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिस इज योर गजनी, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री पे ये वाला गजनी है जो तुम्हें देखना है फिर से, ठीक है। सो मूविंग अहेड, जब अरबियंस का एक्सपेडिशन फेल हो जाता है उसके बाद, ठीक है, अब देखो एक नाम दिया हुआ है समानिद वंश, खतरनाक वंश पर्शिया का, ठीक है, कहां पे रूल कर रहा था ये, ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र में, खोरासन वाले क्षेत्र में, मतलब ये पूरा समानिद वंश की बात की जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, ठीक है। मतलब इनकी ना, अब तुम इसमें अगर इस क्षेत्र के इधर बढ़ोगे तो टर्की आता है। अब टर्की से ना इन लोगों की हमेशा चलती थी टेंशन, हमेशा, सुनना कहानी की तरह, टर्की से ना हमेशा चलती थी इन लोगों की टेंशन। सर आप डेप्थ में ऐसे पढ़ाते हो जैसे हिस्ट्री पूरा आंखों के सामने है, तो अच्छी बात है ना अनिल, मतलब क्या करोगे, एक बार पढ़ोगे या बार बार हिस्ट्री पढ़ते रहोगे, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार पढ़ लो कहानी खत्म हो जाए तो आगे बढ़ोगे ना, ठीक है। अटल जी गए थे गजनी, सही बात है, ठीक है। अच्छा आगे देखो,
सम्मानित बेसिकली क्या होता है, सम्मानित यही है ये वाले। एक बात बताओ यार, तुम लोग बेसिकली ये जो कहानी है मतलब 5 बजे वाली क्लास में तुम लोग गायब क्यों हो जाते हो? 8 बजे वाली क्लास में तो मतलब टॉक टू मी, थोड़ी देर बात करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। 8 बजे वाली क्लास में तो तुम लोग बड़े अच्छी स्ट्रेंथ में दिखते हो, ठीक है। 5 बजे वाली क्लास में तुम लोग कहाँ रहते हो? मतलब जीवन में कौन ऐसा काम है जो इससे महत्वपूर्ण है? आई वॉन्ट द आंसर, ठीक है। जीवन में कौन ऐसा काम है जो इससे महत्वपूर्ण है? या जीवन में डीएम छोड़कर या एसडीएम छोड़कर और क्या बनना चाहते हो? किस खोज में रहते हो? किस खुफियापनी में रहते हो? 5 बजे वाली क्लास में ऐसा क्यों हो जाता है? आई वॉन्ट सम आंसर, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर, ठीक है। और फिर बच्चों वाली हरकतें मत करना, कुछ अच्छा सा उचित सा आंसर हो तो देना, नहीं तो चुप ही रहना, ठीक है। आनंद आ गया सर जी, अच्छी बात है, अभी आनंद तो आना शुरू हुआ है। सब सोए रहते हैं, देखिए निधि कह रही है सब सोए रहते हैं। सोए रहो, जीवन भर सोए रहो, ठीक है। अचानक से उठना और एक दिन तुम्हें पता चलेगा, रात में, कल पता चलेगा, कल एग्जाम है, रात में माँ सरस्वती की पूजा करना, कहना माँ सरस्वती कल मेरे जहन में उतर जाओ और मेरे जुबान से ऐसे निकलो कि मेरी नियति और मेरा मेरी कायनात सब बदल जाए, और माँ सरस्वती तुमसे खुश हो जाएंगी और तुम्हारा अचानक से डीएम बनना तय हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है क्या? दिन रात ठंडा गर्म, ठीक है, बारिश हवा तूफान चक्रवात, क्या है मतलब दुनिया में कहीं कुछ होता है तो भी लोग तबाह हो जाते हो क्या? अब देखिए सुजल क्या कह रहे हैं, ये सब लोग सर निर्वाण की प्राप्ति गए हैं, अच्छी बात है, देखते हैं निर्वाण की प्राप्ति में क्या मिलता है और देखते हैं बाकी जो कर्म है उससे क्या मिलता है, ठीक है। सुमन गुड इवनिंग, दीक्षा देखिए अभी आ रही है लड़की, गुड इवनिंग कह रही है 5:30 बजे, पता नहीं कहाँ से आ रही होगी, कुछ खाने वाने गई होगी, कुछ कर रही होगी, फिर सब सारा काम खत्म हो गया होगा तो कह रही होगी अच्छा अब चलो क्लास कर ही लेती हूँ मैं, ठीक है। हाँ हाँ सुमन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सिद्दीकी साहब, विवेक सर गजनी वाला वही एरिया जो प्रेजेंट में पाकिस्तान के बॉर्डर बनाया है अफगानिस्तान के बीच, एग्जैक्टली विवेक सही कह रहे हो तुम, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री पे। देखो हंसी क्यों आ रही है, मतलब ऐसी कोई कॉमेडी कर रहा हूँ मैं क्या? अभी तुम लोग ना सुधर जाओ, ठीक है। डीएम बनते हो ना तो डीएम वाला कैरेक्टर लेके, डीएम बनना है ना डीएम वाला कैरेक्टर लेके आओ, ठीक है। कॉन्स्टेबल वाली हरकतें दिखाते रहते हो और ख्वाहिशें रखते हो डीएम बनने की, तो चलो ध्यान रखो यार, बी सीरियस अबाउट द क्लासेस। ये जो एक साल है ना, ये जो 1 साल से 1.5 साल तक अगर तुमने मेहनत की ना, तो तुम्हें पता है तुम्हारे आने वाली कौम पूरी कायनात बदल जाएगी, तुम नहीं तुम्हारे एक बाद न जाने कितनी पुश्तें तय हो जाएंगी। कुछ इससे ना फिर मतलब गुमनाम एक भूले बिसरे दूरदर्शन के गाने की तरह, वो जो चित्रहार में आया करता था बचपन में, ठीक है, वैसे ही सुना जाने चाहते हो क्या? मतलब हमेशा भूले बिसरे गीत की तरह कि किसी ने सुना, आ हाँ कभी ना कभी तो सुना था ये गाना, या कुछ मतलब जबरदस्त टाइप का होना चाहिए यार, मतलब क्या कहते हो यार रहमान टाइप, वैसा कुछ गाना बनना चाहते हो या मतलब वैसे ही मतलब एक जो है आजकल के गाने, एक दिन सुनो फिर 2 साल बाद हाँ वंस अपॉन अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बॉलीवुड ये गाना मैंने सुना था, क्या ऐसी भोले भुसले गीत बनना चाहते हो क्या तुम लोग? नहीं बता दो मतलब हसरत क्या है। सुमन देखिए कह रहे काम कर रही थी, घर वाले समझते ही नहीं है, समझाओ उन्हें फिर, नहीं क्यों समझते हैं? या तो तुम्हें समझाना नहीं आता फिर इसका मतलब यही है, समझाओ उन्हें कि लेट मी स्टडी। अगर तुम समझा नहीं पा रही हो समवेयर डाउन द लाइन तुम्हारे अंदर तुम्हारे समझाने की कुछ कमी है, 1 सेकंड में नाक मुंह पटकने लगती होगी, एकदम इरिटेट होने पढ़ना है, टॉक सीरियसली, ठीक है, तभी तुम्हें सीरियसली लिया जाएगा। बच्चों वाली हरकतें दिखाओगे ना तो बच्चा ही ट्रीट किया जाएगा और तुम्हारी बातों को कंसिडर किया नहीं जाएगा। और सबसे पहली बात, बच्चे डीएम नहीं बन सकते, बच्चे एसडीएम नहीं बन सकते, बच्चे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। सुमन इसे एक्सक्लूसिवली अपने दिल पे मत लेना, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है जो मैंने सबके लिए कहा है, समझ में आ रही है बात? सर अफगानिस्तान में हिंदू कुश कैसे नाम हुआ? सर अनिल तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही एम्बिशियस हो रहे हो? हिंदू कुश कैसे नाम हुआ, मतलब अपना क्वेश्चन देख रहे हो तुम क्या पूछ रहे हो कि सर अफगानिस्तान में हिंदू कुश कैसे नाम हुआ? क्या बताऊं मैं कैसे नाम हुआ? अरे हिंदू कुछ पर्वत श्रृंखला का नाम है गुरु अनिल बाबू, ठीक है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला का नाम है अफगानिस्तान में, इसी में खाइबर पास हुआ करता था जिस दर्रे को लांग कर ये सारा मध्य एशियाई आक्रमण भारत में, कभी नहीं सुना है ये क्या? ठीक है चलिए, सो समानिद का एक नाम याद रख लेना, ये ट्रांस ऑक्सियाना वाला जो क्षेत्र है समानिद, और ये खुरासन पर्सिया वाला ये पूरा क्षेत्र बेसिकली समानिद का था। और इससे तुम अगर पश्चिम की तरफ जाते हो ना तो टर्की आता है, टर्की इस्तांबुल अंकारा एशिया माइनर वाला क्षेत्र, ठीक है, वहां पे बेसिकली इनसे ना हमेशा इन समानिद्स की लड़ाई होते रहती थी,
ठीक है, मतलब इनमें लड़ाई होती रहती थी। टर्किश ट्राइब्समैन, बहुत सारे ट्राइब्समैन थे, मतलब अलग अलग ट्राइब्स, इनकी टर्किश ट्राइब्समैन की बेसिकली हमेशा समानिद से लड़ाई हुआ करती थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, इसी के दौरान बेसिकली, ठीक है, एक शब्द इसी टर्क वर्सेस दिस समानिद के विवाद में एक शब्द पनपता है जिसको कहते हैं गाजी, ठीक है। ये गाजी कुछ ऐसे लोग थे ना जो पैसा लेके लड़ाई किया करते थे, किधर से थे कहां के थे वो छोड़ो, ठीक है। ये गाजी वो लोग थे जो फाइटर्स थे एंड मिशनरीज थे, ठीक है। ए न्यू टाइप ऑफ सोल्जर्स इमर्ज्ड कॉल्ड द गाजी, जो सहायक सेना के रूप में काम करते थे आर्मी के, ठीक है, हेल्पिंग है, और पैसे लेके वो बेसिकली लड़ाई किया करते थे, गाजी कहते थे इन्हें। इसी का जन्म, इसका जन्म बेसिकली 9th सेंचुरी में इस टेंशन, इस लड़ाई में ही हुआ है। किसके लड़ाई में? समानिद और टर्किश, इनके बीच में जो आपसी विवाद हुआ करते थे उसी में एक ये सहायक सेना के रूप में गाजी का जन्म हुआ है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, टर्किश और समानिद के बीच जो लड़ाई होती है ना, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जो टर्क्स है ना, बहुत सारे जो टर्क्स हैं, ठीक है, उनका इस्लामाइजेशन हो जाता है, इस्लामीकरण हो जाता है। मतलब होता है ना, लड़ते लड़ते लड़ाई हो रही है, आप समझ रहे हो, इतने सारे आक्रमण भारत में हुए, सब आक्रमण करने आए, सब लूटने आए, लेकिन फिर अपनी संस्कृति भी तो यहाँ पे छोड़ के चले गए ना। बहुतों को ये अच्छा लग गया, बहुतों को भारतीय लड़कियाँ अच्छी लग गई, बहुत भारतीय लड़कियों को वहाँ के अच्छे वीर बाकुड़े अच्छे लग गए, समाज बसता चला गया, तो उसके ट्रेसेस, ठीक है, आज भी आपको सोसाइटी में देखते पिलते हैं, गुड चंक ऑफ द इंडिया इज नथिंग बट दिस इस्लामाइज्ड पॉपुलेशन। तो लड़ाई अपनी जगह है लेकिन समाज का अस्तित्व अपनी जगह है, ठीक है। तो ये मतलब हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस सोशल कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो इस टर्क्स वर्सेस समानिद की लड़ाई में बहुत सारे जो टर्क है ना उनका इस्लामीकरण होता चला गया, ध्यान रखना। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनका इस्लामीकरण होता चला गया। और अब देखिए एक नाम आपके स्क्रीन के सामने आया है, गजनाविद। गजनाविद जो गजनी में पनपे, अलप्तगीन गजनाविद जो रावत सर, आई एम सो लकी बिकॉज मेरे पापा माँ कभी भी काम के लिए नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं कि तुम पढ़ो हम कर लेंगे। यार मून, आई मीन आई एम रियली वेरी गेटिंग इमोशनल टू लिसन दिस, आई होप सारे पेरेंट्स इस प्रोसेस को ऐसे समझ पाए। लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, वीर बांकुड़े कैसा वर्ड है, ये मेरे से ही पूछोगे क्या सुजल, मतलब वीर बांकुड़े तो मैं समझ नहीं आ रहा है कैसा वर्ड है, समझ में तुम्हें नहीं आया कि एक प्रकार का कमेंट है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात मैं फिर भी तुम लोगों को कहूंगा कि अगर किसी को समझाना है ना, जैसे पेरेंट्स के सामने ही अपनी कोई बात रखनी है तो ना नक्शीढ़ापन करके मत रखा करो। नक्शीढ़ापन समझते हो ना, नहीं नहीं मुझे चाहिए, नहीं नहीं मुझे चाहिए, नहीं होगा तो ये हो जाएगा वो, प्लीज यार ग्रो अप। जब तक ऐसी हरकतें दिखाते रहोगे ना बच्चे ही ट्रीट किए जाओगे, और फिर कोई बड़ी अगर तुम्हारी डिमांड हुई ना एम्बिशियस, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। टॉक टू देम सीरियसली ताकि उन्हें लगे कि तुम्हारे में वो गंभीरता है। वो नक्शीढ़ापन जो अगर दिखाओगे ना यही नतीजा होगा, 10 में से तुम्हारी सिर्फ 2 बात मानी जाएगी। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, युद्ध नहीं होता है साक्षी, जो मैं कह रहा हूं ना वो ध्यान रखना। अच्छा योद्धा होता है, सॉरी मेरे को लगा साक्षी ने कहा है, युद्ध होता है। भावना समझ गए माधव, ऑलराइट। सो गजनाविद का नाम देखो, गजनाविद, गजनी तो मैंने पीछे तुम्हें दिखाई दिया कि भाई गजनी कहां था, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पे। अब बेसिकली वो टर्क्स वर्सेस समानिद की लड़ाई उसमें बता दिया, उसमें गाजी राम बता दिया मैंने तुम्हें, वो सब चीजें हो गई। बहुत सारे टर्क्स का इस्लामीकरण होता चला गया, टर्क्स वो अलग अलग उनकी कम्युनिटी थी, इस्लामाइज्ड होते चले गए। और वही इस्लामाइज्ड टर्क्स गजनी में जो आके बसे गजनाविद कहलाए। और इसकी स्थापना बेसिकली किसने की, अलप्तगीन, सुबप्तगीन। अलप्तगीन जो था वो बेसिकली फाउंडर था किसका, गजनाविद किंगडम का। ही वाज द फाउंडर ऑफ द गजनाविद किंगडम, गजनाविद किंगडम वही गजनी। इसके बाद मतलब बहुत कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट किंगडम इसने एस्टैब्लिश किया, कैपिटल गजनी में रखा इसने, ठीक है। उसके बाद सुबप्तगीन, ठीक है, और ये बेसिकली कौन थे, अलप्तगीन के स्लेव थे, इनके दामाद साहब भी थे, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा देखो यहां पे मैंने नाम लिखा है, डिफीटेड हिंदू शाही रूलर्स। अब ये समझ नहीं पाओगे हिंदू शाही रूलर्स क्या है, ठीक है, जयपाल को हराया था हिंदू शाही रूलर्स, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, इस दौरान हिंदू शाही वंश, सब कुछ बता चुका हूं मैं, कोई नाम नहीं आएगा जो तुमसे दिक्कत होगी। जब कश्मीर के बारे में करकोटा डायनेस्टी बता रहा था तो मैं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदू कुश वंश की बातें,
हिंदू शाही डायनेस्टी की बात कर रहा था। तो नॉर्मल सी बात है, गजनी में आओगे, गजनी में अगर अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित करोगे तो हिंदू शाही शासक जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में रूल कर रहे हैं उनसे तो तुम्हारा सामना होगा ही होगा। और उसके बाद ठीक है, महमूद गजनी आया। कौन है ये लोग? इस्लामाइज्ड टर्क्स। ये लोग कौन है? इस्लामाइज्ड टर्क्स। इसके बाद महमूद ऑफ गजनी आया, 17 आक्रमण इसने भारत में किए, 1000 से लेकर 1027 एडी तक, जिसमें बेसिकली सोमनाथ वाला आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 1025 एडी में हुआ था। आएंगा सारा कहानी में बताऊंगा। गजनी के बाद बेसिकली अनदर इस्लामाइज्ड टर्क गोरी आया, फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुल्तान को, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, सिंध, इन सबको कैप्चर करते हुए पृथ्वीराज चौहान से 2 लड़ाइयां, बैटल ऑफ तराई 1, बैटल ऑफ तराई 2, और इसने भारत पर सल्तनत की स्थापना की नींव रखी थी। दैट वाज मोहम्मद गोरी। सो आगे चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं। अभी गजनावी वंश को स्थापित करने के लिए अलप्तगिन, उसके बाद सुबुप्तगिन, उसके बाद गजनी साहब। कौन है ये लोग? ये सारे इस्लामाइज्ड टर्क्स हैं। और ये इस्लामाइज्ड टर्क्स इस क्षेत्र में कहां से आए हैं वो मुद्दा मैंने तुम्हें पीछे बता दिया है। ठीक है, मूविंग अहेड, गजनी इनकी राजधानी थी। देख लो एक बार गजनाविद की, गजनाविद्स की, गजनी इनकी राजधानी थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री के बाद। अलप्तगिन इसने स्थापना रखा था, अलप्तगिन ने इसकी नींव रखी थी। कौन था ये? सामानिद वंश, इसका एक स्लेव था। ठीक है, और सुबुप्तगिन कौन था? इसका दामाद था, जो अलप्तगिन के बाद गजनी को जिसने संभाला था। ठीक है, और ये सारी बातें हैं, मतलब ये सब याद भी रखोगे। रिसीव द टाइटल ऑफ द यामीन एट दावला, जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा सा याद रखना। फाउंडर के रूप में गजनी गजनाविद का, मोहम्मद गजनी सॉरी अलप्तगिन का, देन सुबुप्तगिन का, ये सब नाम थोड़ा याद रखना। ये सारा क्षेत्र समानिद, ये मैप वही है, ये सारा समानिद वाला क्षेत्र है, और इन्हीं से टर्क्स की जो लड़ाई हुई तो इस्लामाइज होते चले गए, ठीक है, गाजियों के रूप में, और फिर यहां पे आके बस गए, उसके बाद भारत की तरफ आने लगेंगे। ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद किसका नाम लिया जा रहा है? ठीक है, यामिनी और गजनाविद वंश, किसकी नाम, किसका नाम लिया जा रहा है? सर आप महमूद गजनी आया ऐसे बोले, लगा सच में आ गया और हम देखने लगे। ये गजब सी बात नहीं होगी? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड गाइस। ये गजब सी बात नहीं हो गई? मतलब निधि को लगी। सर आप महमूद गजनी आया ऐसे बोले, लगा सच में आ गया और हम देखने लगे। संभल के रहना फिर निधि तुम, ठीक है, तो खतरा हो जाएगा, आने वाला इंसान अकबर नहीं गजनी है। ठीक है, सो गजनाविद वंश बेसिकली किसका नाम लिया जा रहा है? एसेंडेड टू द थ्रोन इन 977 एडी आफ्टर द फेलियर ऑफ 3 सक्सेसर्स ऑफ अलप्तगिन। अलप्तगिन, सुबुप्तगिन, इसके बाद किसकी बात की जा रही है? डेफिनेटली महमूद ऑफ गजनी की बात की जा रही है। एंड लेड द एक्चुअल फाउंडेशन ऑफ यामिनी और गजनाविद डायनेस्टी। कौन है ये? महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, सो हीरो ऑफ द इस्लामिक पीपल, और ये बस समझ रहे हो ना, सब इस्लामाइज्ड टर्क्स हैं। हीरो ऑफ द इस्लामिक पीपल मीडिएवल मुस्लिम हिस्टोरियंस के द्वारा इन्हें हीरो कहा जाता है, इस्लामिक कम्युनिटी का। ठीक है, जो जिन्होंने टर्किश इन्वेजन से बहुत ज्यादा सेंट्रल एशिया को बचा के रखा, समझ रहे हो ना, ये लोग जो इस्लामाइज्ड टर्क्स हैं, ये गजनी गोरी सब इस्लामाइज्ड टर्क्स ही है। इनका इस्लामीकरण कैसे हुआ है मैंने तुम्हें बताया, लेकिन उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होते चले गए, जैसे गजनी में अपने आप को स्थापित किया। अब अगर टर्की के लोग इनको तंग करते थे ना, तो ये इनके उनके खिलाफ होते चले गए, अब ये अपने आप को स्वतंत्र बनाते चले गए। सो ही इज कंसिडर्ड एज अ रियल हीरो ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी बाई द एंशियंट इस्लामिक हिस्टोरियंस। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहां पे कहानी को थोड़ा सा रोकिए। ठीक है, वहां पे यहां पे कहानी को थोड़ा सा रोकिए। अब यहां पे मैं एक बात बताता हूं। यस महिमा, अब देखिए ये लड़की अभी आ रही है, मतलब इसका इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार है क्या? ठीक है, मतलब अब मेरे को आप ही बता दो, ठीक है, जैसे बताओगे वैसे मैं कर दूंगा। अभी लड़की आ रही है, ब्लैक करंट देने से क्या लगता है तुम्हें मैं खुश हो जाऊंगा? गजब हाल है यार, तुम लोग नहीं सुधरोगे नहीं तुम लोग। चलो जो करना है करो भाई,
कांस्टेबल की हरकत दिखाओगे तो कांस्टेबल ही बनोगे ना, उसके बाद मैं कुछ कर दूं तो मेरे कुछ कहने से थोड़ी ना होने वाला है, ठीक है। बाकी लोग ऐसे कुछ हैं जो मैं टेलीग्राम पे तो बड़ा प्यार उनको मेरे पे आता है, क्लास में कभी मैं देखता नहीं हूँ। अब क्या ही डांटो मैं यार, तुम लोग को इतना बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, बच्चे तो हो नहीं, बुरा भी तुम लोगों को बहुत कुछ लग जाता है, ठीक है, जैसे करो ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, तो इसमें कहानी थोड़ा गजनी वजनी को थोड़ा रोकते हैं, ईरानियन पुनर्जागरण की एक बात करते हैं, पर्शिया निनाशा, ठीक है। ईरानियंस बेसिकली देखिए इनका ना पर्शियन जो ये लोग हैं ना, बेसिकली पर्शियन, ईरान मतलब पर्शिया, ठीक है, इन्होंने बेसिकली अरबिक लैंग्वेज और कल्चर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। समानिद जो कह रहे हो ना, समानिद जो मैंने तुम्हें बताया था, सारा पर्शिया वाला क्षेत्र प्लस वो ट्रांस ऑक्सियाना वाला क्षेत्र, फरगाना वाला क्षेत्र, ठीक है, इन लोगों ने पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट किया था, ठीक है। और पर्शियन लैंग्वेज और अरेबियन लैंग्वेज ये थोड़ा सा अलग है, आज के बाद आप ध्यान रखना, फारसी भाषा जो कहते हो तुम, ठीक है। सो ए हाई वाटर मार्क इन द ईरानियन रेनासा वॉज रीच्ड विद द फिरदौसी शाहनामा, फिरदौसी की बात होगी, ठीक है, फिरदौसी की बात होगी, महमूद अफ गजनी के कोर्ट पोएट इनकी बात होगी। एक छोटी सी बात कही जा रही है, ठीक है, कि जो इस्लामाइज्ड टर्क है ना, इस्लामाइज्ड टर्क जो है ये बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, वो पर्शियाइज्ड भी होते चले गए, मतलब पर्शियनाइज्ड भी होते चले गए, उनका पारसीकरण भी होता चला गया। और आज के बाद ध्यान रखना, फारसी जिसे पारस पर्शिया लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज या ईरानियन उर्दू कहा जाता है, फारसी और उर्दू इनमें थोड़ा सा अंतर है। इसे समान भाषा हम एक जैसा मानते हैं उर्दू, बट इनका स्क्रिप्ट अलग है, पर्शियन दैट इज फारसी लैंग्वेज और दैट इज उर्दू लैंग्वेज। यही एक बात कही जा रही है कि जो अरेबिक लैंग्वेज है और पर्शियन लैंग्वेज है ये डिस्टिंक्ट हुआ, और ईरान वाले क्षेत्र में अरेबिक कल्चर ना प्रमोट होकर पर्शियन कल्चर प्रमोट हुआ, जो बेसिकली क्या कहते हैं अलग था, शॉर्ट ऑफ उसमें एक डिफरेंस था फ्रॉम द अरेबियन कल्चर। अरेबियन कल्चर वॉज द कल्चर ऑफ द कैलिफेट्स, वो खलीफाओं का की संस्कृति थी, ठीक है, जैसे शुद्ध उर्दू संस्कृति तुम मानते हो। लेकिन ये जो फारसी संस्कृति थी जो कि बेसिकली ट्रांसऑक्सियाना और ईरान पर्शिया वाले क्षेत्र में विकसित हुई, जिसको प्राइमरीली आगे बढ़ाया किसने, समानिद ने, बता चुका हूं मैं, वो बेसिकली थोड़ा सा अलग होता चला गया किससे, अरेबियन कल्चर से। यही बात दिमाग में तुम्हें रखना है। और ये जो इस्लामाइज्ड टर्क हैं जो गजनी वाले क्षेत्र में आके बसते गए, वो सब ज्यादा क्लोज होते चले गए, उनका पारसीकरण होता चला गया, वो उनका वो पर्शियनाइज्ड होते चले गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक सिंपल सी बात है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। गजनी ने, अब नॉर्मल सी बात है, गजनी ने बेसिकली कितने आक्रमण किए थे तुम तो जानते हो, 17 आक्रमण, जिसमें से 16वां आक्रमण जो था वो तुम्हारा बेसिकली सोमनाथ टेम्पल वाला था, ठीक है। सो एनीवेज, क्या कारण था, कोई कारण शासन वासन करना इसका नहीं था, इसका सिर्फ विशुद्ध कारण था पैसा, इसका विशुद्ध कारण था माल संपत्ति असबाब, इसको अधिग्रहण, इसको इसको एकॉम्प्लिस करना, इसको एक्यूमुलेट करना, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द शिकन, ये शब्द सब थोड़ा याद रखना, डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमेजेस, मूर्ति का विनाशक, शिकन उनको कहा जाता था, गजनी को, ठीक है। इन इंडिया, अब इंडिया की कहानी याद रखना, मतलब गजनी के आक्रमण की बात करें तो सन 1000 AD से लेकर और तकरीबन 1026 इसके बीच में बेसिकली इसने 17 आक्रमण किए भारत पे सिर्फ पैसा जमा करने के लिए। इसमें से 16वां आक्रमण जो था, दैट वाज बेसिकली दैट सोमनाथ टेंपल वाला, गुजरात वाला, ठीक है, उसमें मैं आगे आऊंगा। सो इस समय अगर तुम भारत में सोचोगे क्या चल रहा था, पीछे जाओ जो 5 क्लासेस मैंने देखी की है तुम्हारे साथ, पता चल जाएगा क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का टाइम है, 800 से लेके 1000 AD ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का टाइम है, और राजपूतों के क्या कहते हैं जागरण का टाइम है, राजपूतों के इमरजेंस का टाइम है, उसी समय गजनी का यह आक्रमण चल रहा है भारत पर, समझ में आ रही है बात। उसके बाद इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, पीछे एक बात देखिए, एक और बात कही गई है, सेल्जुक टर्क्स। देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना, मतलब ऐसे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक दिस सेल्जुक टर्क्स, एक पावरफुल मीडियवल टर्को पर्शियन इमर्ज्ड एंड कंट्रोल्ड अ वास्ट एरिया ऑफ सीरिया, ईरान, ट्रांस ऑक्सियाना एंड दिस एम्पायर फॉट विथ गजनाविद फॉर कंट्रोल ऑफ खुरासन, खुरासन वाला क्षेत्र समझ रहे हो, इसी ट्रांस ऑक्सियाना वाले क्षेत्र में
जहां पे तुम समानित एम्पायर की पहले बात कर रहे थे, समानित की बात कर रहे थे, ट्रांसऑक्सियाना से लेके पर्शिया वाले क्षेत्र में, वहां पे गजनी वाले एरिया में बेसिकली पहले गजनाविद वंश की स्थापना होती है, फिर उसके बाद वहां पे सेल्जुक टर्क्स उस क्षेत्र में आते हैं और समानित की हस्ती को वो कमजोर करने लगते हैं, और समानित और सेल्जुक टर्क्स और गजनाविद, खास करके समानितों की हस्ती थोड़ी अब कमजोर होने लगती है उस क्षेत्र में, ट्रांसऑक्सियाना और गजनी वाले क्षेत्र में अब दो हस्तियां काम कर रही हैं, सेल्जुक टर्क्स, टर्क्स अलग अलग ट्राइब्स थे, सेल्जुक टर्क्स ये अलग ट्राइब हो गए, गजनाविद वो इस्लामाइज्ड टर्क थे। इन दोनों में टेंशन शुरू हुई और टेंशन का मुद्दा क्या था? खुरासन। टेंशन का मुद्दा क्या था? खुरासन। इसी में बेसिकली मसूद की बात की जाती है जो गजनी का पुत्र था, ठीक है। He was defeated by the Seljuks and fled to Lahore for refuge and their empire was shrunk to Ghazni and Punjab only. Seljuks ने बेसिकली गजनाविद्स को भी मतलब कमजोर करके रख दिया, कमजोर करके रख दिया, और ये बेसिकली इनका सबसे बड़ा इंटेंशन था भारत की ओर आक्रमण करने का और धन संपदा को कलेक्ट करने का। समझ में आ रही है बात? सेल्जुक के बाद मैंने तुम्हें दिखाया था उसी क्षेत्र में ख्वारिज्मी एम्पायर, टू न्यू पावर्स रोज टू प्रोमिनेंस। एक ख्वारिज्मी वंश दिखाया था ना मैंने मैप में तुम लोगों को, ईरान वाले क्षेत्र में, और घुरीद एम्पायर, ये घुरी मतलब वही गजनी वाले क्षेत्र में, दो नए, मतलब सेल्जुक टर्क की जब दुनिया खत्म हुई ना तो दो नए वंशों का जन्म हुआ, एक ईरान वाले क्षेत्र में ख्वारिज्मी वंश का और एक घुरीद वंश का, अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब क्लोज टू गजनी, ठीक है। सो कितने लोग होते चले जा रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। ख्वारिज्मी वंश सबसे पहले समानिद और टर्क्स में लड़ाई हुई, एक सेकंड सुन लेना, पहले सबसे पहले समानिद और टर्क्स में लड़ाई हुई, टर्क का इस्लामीकरण हुआ, तो फिर गजनी की स्थापना हुई अलप्तगिन के द्वारा। अब वहां पे समानिद की हस्ती मिटी तो एक नया जन सेल्जुक टर्क का हुआ उस क्षेत्र में, ट्रांसऑक्सियाना और फरगाना वाले क्षेत्र में। सेल्जुक टर्क्स ने बेसिकली गजनियों को काफी कमजोर कर दिया और फिर दो नए वंशों की स्थापना उस क्षेत्र में और होती है, ईरान ट्रांसऑक्सियाना वाले क्षेत्र में घुरीद वंश और ख्वारिज्मी वंश, ठीक है, घुरीद वंश और ख्वारिज्मी वंश, और उसी में ये घुरीद डायनेस्टी के की नींव रखते हैं और यहीं पे मोहम्मद घुरी साहब आते हैं, ठीक है। तो गजनी में तो बेसिकली तुमने देख ही लिया, मतलब उसमें 17 आक्रमण की अगर बात करते हैं ना गजनी की, 1000 से 1025, तो उसमें जो 16वां आक्रमण है वो तुम याद रख लेना, बेसिकली दैट वाज लाइक द आक्रमण ऑफ दिस सोमनाथ टेंपल, और उसमें कोई बात की नहीं जाती है, मतलब बेकार की बात है, छोड़ो, ठीक है, बस उतना याद रखना। सो सेल्जुक टर्क्स ने बेसिकली जो उसके बाद, ठीक है, गजनियों को कमजोर किया, तो सेल्जुक वहां पे दो नए हस्तियों का जन्म हुआ, एक पर्शिया वाले क्षेत्र में ख्वारिज्मी वंश का, और नीचे अफगानिस्तान मतलब क्लोज टू गजनी घुरीद वंश का। अब ये घुरीद वंश कौन है, ठीक है, ये बेसिकली जागीरदार थे, गजनियों के ही जागीरदार थे, और ये तो सब शुरू में ही मैंने बता दिया, घुरीद हो या गजनी हो, ये सब इस्लामाइज टर्क्स हैं, अलग अलग टर्किश कम्युनिटीज हैं, ठीक है। सो ये वसाल थे गजनी के, वसाल मतलब जागीर, जागीर फ्यूडल सिस्टम में वर्ड यूज किया जाता है, वसाल जागीरदार थे गजनियों के, बाद में यही पनप गए, आगे बढ़ गए, बिकॉज सेल्जुक टर्क से गजनी की टेंशन हो गई, ठीक है, गजनी कमजोर होता चला गया, और गजनी बेसिकली इधर भारत की तरफ थोड़ा पैसा वैसा उसने इकट्ठा कर लिया, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कोई कहानी उनमें नहीं है। समझ में आ रही है बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस भावना, पैसा पैसा बोलता है, ठीक है। समानित कौन था सर? सुमन लेट आओगी तो यही होगा, मैं नहीं बता रहा समानित कौन थे, शुरू से क्लास देखना, क्लास खत्म हो जाती है ना उसके बाद लेक्चर फिर से शुरू करना। घुरीद इन नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान एंड ख्वारिज्मी, अनिकेत ख्वारिज्मी उधर पर्शिया वाले, क्या कहते हैं, पर्शिया वाले क्षेत्र में, सबने मिलकर लूटा इंडिया को, नहीं तो आज इंडिया डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री होता। अनिल एक बात बताऊं मैं तुम्हारे, इसका जवाब दूं मैं, कि काश मैं 1526 में पैदा हुआ होता, ठीक है, तो बाबर की जगह बाबर मैं ही होता, काश, ठीक है, माउंट एवरेस्ट मेरे घर के सामने होता और मैं उन्हीं बर्फों पे क्रिकेट खेला करता। अबे काश से बाहर तुम लोग कब आओगे, हर बात में काश लगा देते हो, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, फॉरगेट इट, ठीक है, वैसा ही हुआ है और उसी में आगे बढ़ना है, ये इस वाले मोड में कभी मत जाया करो, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता, ना ऐसा होगा ना वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसा है सिर्फ वैसा ही होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है।
तो ये घुरीद जो थे बेसिकली ये भी तो टर्क्स ही थे, आते हैं घुरी वंश की स्थापना रखते हैं किधर, मतलब वही गजनी वाले क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, घुरीद वंश की, ठीक है। इंक्रीज अंडर सुल्तान अलाउद्दीन हु अर्न द टाइटल ऑफ जहां सोज वर्ल्ड बर्नर, समझ रहे हो, दुनिया को जला के खाक कर देने वाला, ठीक है। कौन है ये, समझ रहे हो ना, मोहम्मद गोरी का नाम सुना है, ही रेवेस्ड गजनी, इसने गजनी को खत्म कर दिया, घुरीद वंश आया। गजनी तो ऐसे ही सेल्जुक टर्क्स के साथ लड़ते लड़ते कमजोर हो चुका है, ठीक है, कन्फाइंड हो गया है गजनी में। वहां पे जो घुरीद वंश जन्म लेता है, गजनी को तबाह नष्ट कर देता है, कौन है वो, जहां सोज, ठीक है, विश्व का वर्ल्ड बर्नर, विश्व को जलाकर खाक कर देने वाला, द वन एंड वन आर्मी, अलाउ वन मैन आर्मी, अलाउद्दीन, मोहम्मद गोरी जी से तुम कहते हो, समझ में आ रही है बात। उसका आगमन होता है, मोहम्मद गोरी और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये भी नाम याद रख लेना, नहीं तो एग्जाम में ना अगर मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम लिख दिया ना, खोजते रह जाओगे मोहम्मद गोरी कौन था। गजनी के मतलब गजनी गजनामिद वंश को खत्म करता है और गजनी को स्थापित, गजनी पर अपनी राजगद्दी स्थापित करता है, ठीक है, और उसके बड़े भाई को, अपने बड़े भाई को छोड़ देता है घूर में। घूर वही मतलब गजनी से थोड़ा सा ऊपर समझ लो आप, अफगानिस्तान की तरफ और, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान, वहां पे अपने बड़े भाई को रखता है और अपनी राजगद्दी स्थापित करता है गजनी पर। 1190 में पेशावर जीतता है, लाहौर जीतता है, सियालकोट जीतता है, ठीक है, और दिल्ली की तरफ रश करता है, गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ रश करता है, बात आप जानते हो, ठीक है। 1191 एडी बैटल, प्रथम लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थ्री, राय पिथौड़ा, सब बातें लास्ट क्लास में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता चुका हूं। यहां पे घुरी हार जाता है, लेकिन द्वितीय बैटल, बैटल ऑफ तराई, सेकंड बैटल, ठीक है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। वहां पे मैंने गहद बलौ वंश के जयचंद्र और राजकुमारी संयोगिता से जो होने वाला उत्पन्न विवाद है उसकी भी चर्चा की थी, स्कंद की भी बात की थी, स्कंद की भी बात की थी, ये भी कहा था कि पृथ्वीराज थ्री अर्थात पृथ्वीराज चौहान बेसिकली अगर, ठीक है, इस तरीके से मदहोश ना हुए होते पहली बार हराकर, ठीक है, अगर अपनी दुश्मन को सदा के लिए खत्म किया होता तो भारत का इतिहास शायद 1000 वर्षों के लिए हिंदू शासकों के साथ ही इंटैक्ट रह जाता। ये सारा डिस्कशन हम कल की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। सो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई घुरी वॉज बैडली इंजर्ड एंड डिफीटेड। इन 1192 एडी घुरी डिफीटेड पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज थ्री, राय पिथौड़ा, पृथ्वीराज चौहान जिसे कहते हो, रूलर ऑफ दिल्ली वॉज आउस्टेड एंड दिल्ली वॉज मेड अ बेस फॉर द टर्किश एडवांसेज इनटू गंगा वैली। यहां से इस्लामिक काल की नींव रखी जाती है, ठीक है। तराई के बाद, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर में आइए। घुरी ने लगातार 3-4 बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। सो बैटल ऑफ तराई 1 1191, तराई 2 बैटल, तराई बेसिकली हरियाणा का वो क्षेत्र है, सारी बातें तो मैं कल बता ही चुका हूं। देन यू हैव दिस थर्ड बैटल, बैटल ऑफ चंदावर 1194, ठीक है। घुरी वापस चला जाता है गजनी, ठीक है, इन दोनों बैटलों को लड़ने के बाद, ठीक है, और अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है, ठीक है, स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है कि देखो जरा दिल्ली को, आता हूं मैं। 1194 में वो वापस आता है और कन्नौज पर अटैक करता है, वहां पे जयचंद को हराता है। इन जयचंद साहब के बारे में कल मैं बता चुका हूं, दैट इज बेसिकली बैटल ऑफ चंदावर, जो अपनी बेटी को लेकर थोड़ा सा मतलब मनमुटाव उनके मन में उत्पन्न हुआ था। मैंने कहानी बताई थी तुमको कि भाई संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी में कितना सत्य है, वो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। यस, पृथ्वीराज का सेनापति निधि, एकदम सही कह रही हो, स्कंद, उसको भी एक कारण माना जाता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान के डिफीट का एक कारण, मैंने 3 कारण कल डिस्कस किया था ना। सो बैटल ऑफ चंदावर में एक्चुअली जयचंद को हराया जाता है और वहां का कन्नौज का वायसराय बेसिकली अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना देता है, कौन, घोरी, ठीक है। सो ये जो तराई की दो लड़ाइयां हैं और उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर है, टर्किश रूल की स्थापना नॉर्थ इंडिया में हो जाती है इन द नेम ऑफ द मोहम्मद गोरी। ये गजनी की तरह सिर्फ भारत पर आक्रमण करने नहीं, यहां पर शासन करने की नीयत से आए हैं। देन यू हैव दिस, ठीक है, क्या कहते हैं, हाँ, इसके बाद देखो ये बख्तियार खिलजी वाला बात यहीं पे देख लो, ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी, कितनी बार इसकी चर्चा हुई है, ये किसका था, मोहम्मद गोरी का ही आर्मी जनरल था, या आप कह लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आर्मी जनरल था, क्योंकि बख्तियार खिलजी को, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने ही तो बेसिकली, ठीक है, अलॉट किया था ना, मतलब जब वो वापस गजनी गया था तो बिहार को अटैक किया था इसने 1197 एडी में, बंगाल को 1202 एडी में, ही नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का विनाश इसी ने किया था, ठीक है,
और इसको बिहार और बंगाल का गवर्नर भी बना दिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो ये बात तो पहले भी बहुत सारी हो चुकी है, बख्तियार खिलजी गोरी या फिर ऐबक का अब कमांडर कह लो, बिहार को इसी ने नाश किया था, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कि उन्हें नाश किया था, और नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से जो कहानी आगे बढ़ती है ना, उसी को तुम कहते हो गुलाम वंश। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली क्या था, मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था। ठीक है, सो यहीं से बेसिकली तुम्हारी किसकी शुरुआत होती है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, सल्तनत काल की शुरुआत होती है, कहां से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। और जो आगे दुनिया बढ़ेगी, ठीक है, तो देखेंगे आगे बढ़ा के हम फिर है, सो इसी को आप गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक वंश भी कहते हो, दैट एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम हूम, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके पीछे की सारी कहानियां तुम देख चुके हो। ठीक है, अच्छा कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बता रहा हूं, देख लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, लाइक दिस अल मसूदी, ठीक है, अरेबियन ट्रेवलर था, ठीक है, जो आया था, सुलेमान भी एक अरेबियन ट्रेवलर था, अल बेरूनी का नाम लिखा गया है, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम बेसिकली अबू रहन महमूद था, जो महमूद ऑफ गजनी के साथ ही आया था, और इन्होंने ही किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किताब लिखी थी। अल बेरूनी ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन, अल मसूदी ही वॉज एन अरेबियन ट्रेवलर, सुलेमान वॉज ऑल्सो एन अरेबियन ट्रेवलर, अल बेरूनी तो गजनी के साथ ही आया था, ये जरा ध्यान में रख लेना। ठीक है, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। ही वॉज ए ग्रेट हिस्टोरियन, फिलोसोफर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर भी कह लो, मैथमेटिशियन कह लो, बहुत सारी, मतलब जो ग्रीक वर्ड है ना बेसिकली यूक्लिड का, ज्योमेट्री पर जो यूरोपियन एंशियंट वर्क है, इसको संस्कृत में इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया है ना, उसको पश्चिम की तरफ भी, मतलब क्या किया था, ट्रांसफर, स्थानांतरित किया था उसके ज्ञान को, मतलब जो ग्रेट पर्सन दैट अल बेरूनी। उसके बाद फिरदौसी का नाम याद रख लेना, फिरदौसी कौन था, फिरदौसी वॉज द कोर्ट पोएट, ठीक है, ऑफ महमूद गजनी, फिरदौसी वॉज द कोर्ट, एक सेकेंड लाइट चली गई है, ठीक है, फिरदौसी याद रख लेना, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लाइट चली गई थी, अभी ठीक है, आगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फिरदौसी का नाम याद रख लेना, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ गजनी, मतलब गजनी, महमूद गजनी, ठीक है, इसका कोर्ट पोएट था। होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, रोड द शाहनामा जो लिखा था इन्होंने बेसिकली महमूद गजनी की जो बायोग्राफी थी। देन इब्न बतूता का नाम याद रख लेना है, ये मोरक्को ट्रैवलर, अफ्रीकन कंट्री जो मोरक्को है ना, वहां के ये ट्रैवलर थे, मोरक्कन ट्रैवलर दिस इब्न बतूता, ठीक है, किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। देन निकोल दी कुंटी, इनका नाम याद रख लेना, वेनेशियन ट्रैवलर, ठीक है, जो बेसिकली देवरया, मतलब विजयनगरा किंगडम, बताऊंगा इसके बारे में मैं, साउथ में बेसिकली बहमानी और विजयनगर के बारे में, इनके राज दरबार में आए थे, निकोल द कुंटी, इनका वेनेशियन ट्रैवलर थे, ये नाम याद रख लेना। मतलब गजब टाइप के क्वेश्चन है, टेस्ट वेस्ट देते होगे ना तो समझ में आता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है और कितना छोड़ के आते हो और कितना बनाते हो तुम लोग। हाँ, लाइट आ गई, ठीक है, उसके बाद कुछ और नाम, अब्दुल रज्जाक साहब का नाम याद रख लेना, अब्दुल रज्जाक साहब, पर्शियन ट्रेवलर, पर्शियन मतलब समझ रहे हो ना, ईरानियन ट्रेवलर, किसके, जैमोरिन के कोर्ट में, जैमोरिन याद है ना नाम, कि भाई जब वास्को डा गामा आया था तो किस कैलिकट में, किस हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया था, जैमोरिन, इसी के दास दरबार में आए थे अब्दुल रज्जाक साहब, इनका नाम याद रख लीजिएगा। मतलब किसके दरबार में आया था वो एक क्वेश्चन तो होता ही है, और कहाँ का था वो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। सो अब्दुल रज्जाक साहब का नाम याद रख लेना, पर्शियन ट्रेवलर, पर्शियन मतलब ईरान, जैमोरिन के राज दरबार में आए थे, जैमोरिन ये वही शासक है जिसको कैलिकट में हिंदू शासक जिसका स्वागत, जिसको जिसको वास्को डा गामा ने जिसका स्वागत किया था, ठीक है। और उसके बाद डोमिंगो पेस का नाम याद रख लेना, पोर्टुगीज ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ द कृष्ण देवराय, ये भी विजयनगर विजयनगर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से नाम लिया जाए तो कृष्ण देवराय का नाम आता है। तेनालीराम का, अगर तुमने जो सीरियल देखते हो ना, तेनालीराम, तेनालीराम क्लेवर पर्सन, जिसे बीरबल अकबर के समय जाने जाते हैं, तेनालीराम बेसिकली कृष्णदेव राय के समय जाने जाते हैं। विजयनगर किंगडम ये आगे की दुनिया है, पढ़ेंगे हम, लेकिन एक साथ मैंने सारे ट्रैवलर्स, हाँ हरियर और बुक्का,
यस सुजल बताऊंगा मैं, बस पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज ये ट्रैवलर्स को देख लेना अच्छे से, प्लीज नोट्स बना लेना सारे, और भी मैं ट्रैवलर्स को अभी बताऊंगा, और भी मैं हिस्टोरियंस कोर्ट पोएट के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पे एक छोटी सी लिस्ट मैंने दे दी है, उसे जरा ध्यान रख लेना। उसके बाद ये मिनाज उस सिराज का ध्यान रख लेना, ये भी मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल के समय, बलबन के समय, ठीक है, एक बहुत महान लेखक या कवि के रूप में मिनाज का नाम याद रख लेना। देन यू हैव दिस जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, तारिके फिरूज साही डेल्ट फ्रॉम द रेन ऑफ द बलबन, किसके, फिरोज शाह तुगलक और बेसिकली के समय, उसके समकालीन ये रहे हैं जियाउद्दीन बरानी। बरानी का नाम बड़ा लिया जाता है, ही वॉज अ फेमस हिस्टोरियन। ये जो तारिके फिरूज है ना, ये फिरूज शाह तुगलक की ही बायोग्राफी है, सब लोग आगे आएंगे। ये मिनाज उस सिराज का नाम याद रख लेना, ही ऑल्सो सल्तनत काल में, ये बेसिकली तुगलकों के समय ही रहे हैं, इन द पोस्ट बलबन फेज, ठीक है, सॉरी इन द पोस्ट खिलजीज फेज, मिनाज उस सिराज, इनका याद रख लेना, ठीक है, नहीं नहीं बलबन के बाद रहे हैं, सॉरी ये बलबन के बाद रहे हैं, इन्होंने तबाकत नशीरी लिखी है ना, ये नशीरुद्दीन मोहम्मद का नाम है, मैं बताऊंगा इनके बारे में, नशीरुद्दीन मोहम्मद उस समय, मिनाजु सिराज का नाम याद रख लेना। देन दिस जियाउद्दीन बरानी, ये तुगलक के समय आएंगे, फिरोजा तुगलक के समय। सो एक बार ना अच्छे से इनका नोट्स बना लेना, अभी घबराना मत, अभी तो मीडियवल में बेसिकली तुम गुलाम वंश में घुसे हो ना, सो गुलाम वंश के बाद ये लोग तुगलक, खिलजीज, मुगल सब आएंगे, उनके समय के कुछ कोर्ट पोएट्स और कुछ बेसिकली कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस के नाम मैंने तुम्हें बताए हैं, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, अब जाके एकदम खा पी के टाइट हो जाओ, 7 बजे एनसीईआरटी में मिलते हैं। सबके पास नई कॉपी होनी चाहिए, सबके पास नई कॉपी होनी चाहिए, 7 बजे एनसीईआरटी में मिलते हैं, और स्पेशल क्लासेस में डेफिनेटली मेरा अटेंड करना है, प्लीज मुझे फॉलो कर लेना, AR101 मेरा कोड है, इसको यूज करके स्पेशल क्लासेस किया करूँ, ये साइंस टेक वाला और हिस्ट्री वाला, ठीक है, और आंसर राइटिंग में डेफिनेटली मैं बहुत जल्द कुछ लेके आने वाला हूँ। सब्सक्रिप्शन कोई भी लेते हो तो एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जस्ट वेट, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, ठीक है, देन AR101 कोड आपको यूज करना है। AR101 कोड यूज करना है, मैं आपको तभी मेंटर कर सकता हूं, और जिनको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इशू है, प्लीज ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया करो यूजिंग माय कोड AR101। एक बात याद रख लेना, ठीक है, कि कोड यूज करोगे मेरा तभी मैं मेंटर पर्सनलाइज आपको कर सकता हूं, टेक दैट थिंग इन द माइंड। और हाँ, एकदम खा पी कर टाइट हो जाओ और जाओ, कॉम्बो ऑफर अभी भी ऑन है, इसके बारे में मैं जानकारी तुम्हें देता हूँ अगली क्लास में। मोर देन दैट, वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करना, एकदम खापी के टाइट रहो, 7 बजे सबके पास नई कॉपी होनी चाहिए एनसीईआरटी के लिए, आई वॉन्ट टू सी एवरी वन देयर। और फिर 8 बजे हमारी मेडिवल वाली क्लास भी होगी, दैट इज टू बी देयर, ये कंटिन्यूएशन होगा मेडिवल का, दैट्स इट। सो अभी के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू एट 7 इन द एनसीईआरटी सेगमेंट, टिल देन बाय बाय।